कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को दी जाती है उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व तो नहीं लेकिन हमारा धर्म बनता है। आप कल दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी थी और उनके पदचिन्हों पर चलने का एक संकल्प एक एक कार्यकर्ता का सदैव होता है। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में जो उनकी मूर्ति का भी अनावरण किया, मैं मानता हूँ कि देश में केवल भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नहीं लेकिन देश में हर एक नागरिक दीनदयाल उपाध्याय जी से भी प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए पूर्ण रूप से आप भी लड़ेंगे सर विधानसभा। कैलाश विजयवर्गीय जी को टिकट मिला है क्या आपको? देखिए देखिए कांग्रेस अपना नैरेटिव जो है, कांग्रेस कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी चार दीवारों में, अपने चार लोगों के साथ, अपने चार प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव प्रश्न पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की, और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। आप चुनाव लड़ेंगे? वो कांग्रेस जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा है। आप विधानसभा पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।